जय हिंद। मैं बहुत दिन पहले एक पोस्ट किया था कि मैं कैसे करके पोर्ट्रेट पेंटिंग करता हूँ, तो आज हम डिटेल्स इसके बारे में जितना हुआ है करेंगे दो पार्ट में। पहले ड्राइंग पार्ट है, उसको कैसे करके किया वो बताएंगे, फिर बाद में कैसे कलर कर किया है वो बताएंगे। सबसे मेन पार्ट है ड्राइंग। तो आइए ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, तो मैंने जिस फ़ोटो को पेंटिंग करना है उसको मैं एक प्रिंट निकाल लिया। तो उसको प्रिंट निकालने के बाद मैं ग्राफ कर लिया, देख रहे हैं, नॉर्मल ग्राफ किया, 4 स्क्वायर का, मतलब स्क्वायर का ग्राफ किया। और मेरा जो पेंटिंग का कैनवास का साइज है वो 16x20 का है, आप देख सकते हैं। ये है मेरा ड्राइंग कर लिया था नॉर्मल, इसमें भी ग्राफिंग कर लिया। ग्राफिक करने के बाद ध्यान से देखिए, जिस अभी ग्राफ करने के बाद जिस जगह को मैं शुरू करूँगा, जैसे मैं आँख से शुरू किया था, उसमें से मैं क्रॉस ग्राफ किया हूँ। सब क्रॉस ग्राफ मैं पूरा में नहीं किया हूँ, जहाँ पर मेरा जिस स्क्वायर का जगह में मेरे को ड्राइंग करना है, उस सिर्फ उसी को ही मैं स्क्वायर किया हूँ। उसका थोड़ा स्क्वायर करके पार्ट करके इसमें भी किया कर रहा था और इसमें भी कर रहा था। देखिए ये पूरा में स्क्वायर नहीं है, जहाँ जहाँ पर मेरा दिक्कत आ रहा था, मतलब सुविधा हो रहा अपना मुताबिक, उसको मैं छोटा छोटा करके ग्राफ कर दिया। ये हो गया ड्राइंग पार्ट। अभी ये ग्राफ करना उतना मुश्किल नहीं है, हाथ से ही कर सकता है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेन वाला जो है, बड़ा वाला जो है स्क्वायर वाला, वो स्केल से करके फिर ये हाथ से ही कर करके मैं एडवांस हुआ। अगर सही जगह पर सही ड्राइंग में यही होता है, पोर्ट्रेट में सही जगह पर सही, जैसे नाक का पॉइंट हो गया, मुंह कितना दूर में है, आँख कितना दूर में है, हाँ, तो ये अगर हो गया, ये अच्छा तरीका है। इससे हम काफ़ी समय का बचत भी होता है और जेन्युइन भी होता है। बेसिकली मैं और कई आदमी करते हैं, मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। तो इसका और भी मेथड बहुत अच्छा है, तो वो एडाप्ट करके ये मेरे को अच्छा लगा। इसमें जो है कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। और कई आदमी प्रिंट करके उसका कार्बन कॉपी लगा के, उसका कार्बन कॉपी लगा के फिर काम करते हैं, वो शॉर्टकट तरीका है। तो हम उसमें नहीं जाएंगे, तो हम सीखना है तो सॉलिड सीखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट कैसे करके नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे कि कलर का कैसे करके करता हूँ मैं। ओके, जय हिंद।